एमपी के रीवा में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी बैठक एवं होली मिलन समारोह का कार्यक्रम मऊगंज में आयोजित किया गया। इस दौरान मऊगंज क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष मौजूद रहे। उक्त अवसर पर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि ये एक दुर्भाग्य का विषय है जब 10 साल तक रीवा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने इस दौरान रीवा जिले में कुछ खास किया। इन्होंने कहा कि इन 10 सालों में भ्रष्टाचार की स्थितियां जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं। तक उस दिन से लेकर 8 दिन तक इन्होंने सांस ली होगी, ये अपना अपना परिवार अपना जीवन दिया होगा, तख्ते में वहां पर जिंदगी गुजारना, दिन भर भागना, दिन भर गांव की जनता के बीच में रहना। जब मुझे 2018 का चुनाव मिला था, टिकट मिला था, तो राहुल गांधी जी आए थे, तो बस में यात्रा हो रहा था, एक आदिवासी के लिए ऐसा लड़ रहे थे अध्यक्ष बनाने के लिए कि मतलब हमें लग रहा था कि ये क्या कर देंगे। इस तरह से अनुसूचित जनजाति के प्रति, गरीबों के प्रति, सामान्य वर्गों के प्रति समर्पित 20 वर्षों से जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करके रखा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।